दोस्तों आज की वीडियो में मैं विलियम शेक्सपियर के एक प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट को कवर करने जा रहा हूं। ये एक हिस्ट्री प्ले है, तो इसके बारे में कुछ बताने से पहले इसके कुछ की फैक्ट्स मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि इस प्ले को 1598 में पब्लिश करवाया गया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हिस्ट्री प्ले है जिसकी सेटिंग इंग्लैंड में रखी गई है 1402-3 के आसपास। अब मैं इस प्ले का थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बताता हूं। देखिए, इस कहानी में ये जो किंग हेनरी फोर्थ हैं, ये प्लांटेजनेट डायनेस्टी में जन्मे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्लांटेजनेट इंग्लैंड की एक रॉयल डायनेस्टी थी। तो किंग हेनरी फोर्थ प्लांटेजनेट डायनेस्टी में जन्मे, और हेनरी की मां लैंकास्टर डायनेस्टी की थी। तो किंग हेनरी के फादर प्लांटेजनेट डायनेस्टी के थे और किंग हेनरी की मां लैंकास्टर डायनेस्टी की। और आगे चलकर किंग हेनरी इंग्लैंड के 10th किंग भी बने, 10वें राजा रिचर्ड सेकंड को हटाने के बाद में। देखिए, विलियम शेक्सपियर अपने बहुत से प्ले हिस्ट्री का मटेरियल उठा करके लिखते थे, और ये प्ले भी उनमें से एक है। और शेक्सपियर ने इनको दो भागों में बांटा है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट और हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक बाप बेटे के रिश्ते को दिखाया है, और इसमें बाप है खुद राजा हेनरी फोर्थ और बेटा है उनका बेटा प्रिंस हाल। ये प्रिंस हाल 2400 घंटे शराब पीता है। किंग हेनरी बहुत परेशान है इससे, इसकी यारी दोस्ती से और इसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से। लेकिन प्रिंस हाल आगे चल करके इस प्ले में अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर साबित करेगा, श्रूसबरी के युद्ध में इस कहानी के विलन हॉट्सपर को हराकर। अब मैं कहानी शुरू करता हूं तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है खुद किंग हेनरी से, जो अभी बुढ़े हो चुके हैं, और उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी प्लानिंग्स को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दें। क्यों कर दें भाई पोस्टपोन? क्योंकि अभी अभी किंग हेनरी की आर्मी को साउथ में हरा दिया गया है, और वहां दूसरी तरफ हॉट्सपर जो इस कहानी का विलन है और जिसे किंग हेनरी का वफादार समझा जाता था, उसने किंग हेनरी के सैनिकों को नॉर्थ में कैप्चर कर लिया है। दिमाग में से कहानी स्किप नहीं होनी चाहिए, गौर से सुनना कहानी को, ठीक है? तो इसने किंग हेनरी के सैनिकों को कैप्चर कर लिया है, और ये किंग हेनरी को मना कर रहा है कि मैं तो आपके सैनिकों को वापस नहीं करूंगा, गद्दार कहीं का। किंग हेनरी कहते हैं कि चलो हॉट्सपर को रॉयल कोर्ट में बुलाओ ताकि हम जान सकें कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस कहानी के तीसरे कैरेक्टर किंग हेनरी के बेटे हॉल के पास में, जिसका नाम पूरा नाम है प्रिंस हैरी। ये है किंग हेनरी का शराबी बेटा, तो ये बार में बैठा क्रिमिनल्स के साथ शराब पी रहा है, और पापा की तो कोई परवाह नहीं है इसको। तो पापा किंग हेनरी बड़े परेशान होते हैं कि क्या होगा मेरे बेटे का, ये अपना आधा टाइम तो शराब खाने में बिताता है, एक तरफ वो हॉट्सपर है और एक तरफ ये मेरा नालायक बेटा। अब इन्हीं क्रिमिनल्स के बीच में प्रिंस हैरी का एक क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है फॉल्स्टफ। ये फॉल्स्टफ जो कि एक मोटा सा बुढ़ा सा आदमी है और चोरी चकारी करता है, झूठ बोलता है, इसी से इसकी जीविका चलती है। और ये इस कहानी में एक बहुत ही विटी सा कैरेक्टर है जो एकदम मजे में रहता है, और ये प्रिंस हैरी का दोस्त है, ठीक है? तो हैरी कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, शराब पी रहा है, मधुशाला में बैठा हुआ है, वो एकदम सही है। मतलब पब्लिक के बीच में तो है, पब्लिक के बीच में रह रहा है, पब्लिक का दुख दर्द समझ रहा है, और एक राजा को और क्या करना चाहिए? नहीं बेटा, तुम एकदम गलत हो। तो इन्हीं पियक्कड़ों में से एक और इनका एक पियक्कड़ दोस्त है पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इनके पास में आता है और इनको कहता है कि हम लोग एक रॉबरी करते हैं। रॉबरी का मतलब समझते हो ना, डकैती टाइप की। कुछ वेल्थी ट्रेवलर्स हैं, उनकी डकैती करने के लिए कहता है ये पॉइंट्स। तो प्रिंस हैरी मना कर देता है कि ना भाई ना, मैं तो नहीं करूं। तब पॉइंट्स हैरी को अकेले में ले जाकर के मैनिपुलेट कर लेता है कि हम लोग रॉबरी थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो इस फॉल्स्टफ के साथ मजाक कर रहे हैं। तो ठीक है, यहां पे प्रिंस हैरी भी उनके साथ लग लेता है रॉबरी करने में, तो ये सारे रॉबरी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ इस कहानी के। तो दूसरी तरफ हॉट्स पर इस कहानी का विलन, ये किंग हेनरी के सामने रॉयल कोर्ट में हाजिर होता है और अपनी प्रॉब्लम किंग हेनरी को बताता है कि ये जो हॉट्सपर है, ये और इसकी फैमिली किंग हेनरी से खुश नहीं है। ये हॉट्सपर की फैमिली है पर्सीज,
और इस हॉट्सपर की फैमिली परसीज ने किंग हेनरी को राजा बनने में हेल्प की थी, लेकिन किंग हेनरी परसीज के एहसानों को भूल गया। तो अपनी प्रॉब्लम हॉट्सपर ने किंग हेनरी के सामने रखी, किंग हेनरी वहां से चले गए। अब ये दोस्तों, ये हॉट्सपर और इसकी फैमिली परसीज, ये किंग हेनरी को हटाना चाहते हैं, हटाना चाह रहे हैं ये किंग हेनरी को, और बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है इन लोगों की। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का अगली वीडियो में।